फ्रेंड्स, मैं ऋतु आज रेसिपी पैलेस पर आप सबके लिए लेकर आई हूँ मिक्स वेजिटेबल अचार, जो सर्दियों की एक बहुत ही खास स्पेशल रेसिपी है और बहुत टेस्टी अचार लगता है ये खाने में और 2 दिन में ही बनकर तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने कुछ सब्जियाँ काटकर पहले से ही रख ली हैं ताकि वीडियो बहुत लंबा ना हो। तो यहाँ पर जो मैंने सब्जियाँ ली हैं तो ये मिक्स वेजिटेबल्स ली हैं, जैसे सर्दियों में गाजर, मूली, गोभी, शलगम और हरी मिर्च, ये सभी सब्जी मैंने काट कर धो ली हैं अच्छी तरह से 3 से 4 बार पानी में। तो देखिए यहाँ पर गोभी ली है जो मैंने 1 किलो ली है, शलगम है ये मैंने ली है 500 ग्राम, मूली 500 ग्राम, और देखिए इसी तरह से मैंने इसको काट ली है, गाजर भी मैंने 500 ग्राम ली है और इस तरह से उसको काट ली है। सभी सब्जियों को काट कर हम लंबाई में, जो गाजर है, मूली है, उनको हम लंबा काट लेंगे थोड़ा सा, और साथ में ये लिया है कुछ हरी मिर्च। तो सब्जियों को काट लिया है, अच्छी तरह से धो लिया है, हरी मिर्च को भी धोकर अच्छी तरह से उन्हें पोंछ लिया है एक साफ कपड़े से। तो ये हरी मिर्च भी हम बीच से काट लेंगे ताकि जब मसाला इसमें बहुत अच्छे से भर जाए बीच में। तो मैंने यहाँ पर पतली वाली ही हरी मिर्च ली है, कोई भी हरी मिर्च आप इसमें यूज कर सकते हैं। तो देखिए सभी मिर्चें मैंने काट ली हैं और सब्जी भी हमारी तैयार हो गई। तो अब हम ये सभी चीज़ें धूप में सुखा लेंगे 1 घंटे के लिए। तो यहाँ पर धूप में मैंने एक दुपट्टा डाला है, तो कोई भी क्लोथ, कॉटन का कपड़ा, दुपट्टा, साड़ी या कोई भी कपड़ा आप फैला लें, और उस पर हम सबसे पहले डाल रहे हैं हरी मिर्च और ये हम थोड़ी देर के लिए सुखा लेंगे ताकि इनका पानी सूख जाए, और सभी सब्जियाँ भी हम इसी कपड़े पर डाल देंगे सूखने के लिए। तो यहाँ पर मैंने सभी सब्जियां फैला दी हैं, धूप काफी तेज है इस समय और 1 घंटे के बाद ही मैं इन्हें उठा लूंगी, क्योंकि 1 घंटे में ये बिल्कुल पानी इनका खूब अच्छे से सूख जाएगा और हमारा अचार पूरे साल तक खराब नहीं होगा, क्योंकि अगर पानी रह गया तो हमारा अचार खराब हो जाएगा। तो देखिए सब्जियां सूखने के बाद मैंने उठा ली है और आप देख रहे होंगे सब्जियां बिल्कुल भी पानी नहीं है, बिल्कुल ड्राई हो गई है सब्जियां। तो यहाँ पर मैंने ली है राई, तो ये राई को मैं पीस कर पहले पाउडर बना लूंगी। तो मैंने पाउडर बना लिया है राई का और एक बड़ा चम्मच लिया है अचार में मसाले डालने के लिए, तो इस तरह से बड़े चम्मच का ही यूज करें। तो 1 से 1.5 चम्मच राई मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ, तो मैंने यहाँ पर 1.5 चम्मच राई का पाउडर इसमें मिक्स किया है। 1/2 चम्मच डाली है हल्दी पाउडर और 1 चम्मच डाली है मैंने लाल मिर्ची पाउडर। तो लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच पूरा भर के नहीं लिया है, तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप मिर्च कम या ज्यादा कर सकते हैं। नमक लिया है 1 बड़ा चम्मच, बहुत ज्यादा मसाले इसमें यूज नहीं हुए हैं, सिर्फ नमक, मिर्च, हल्दी और राई। अब यहाँ पर मैंने लिया है सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल, उसे बहुत अच्छे से मैंने पहले गरम कर लिया था, तो ऑयल को अच्छे से गरम कर लेंगे और 1.5 चम्मच ऑयल, ये बड़ा वाला जो चम्मच है इसका मैं 1 चम्मच और अब 1/2 चम्मच और इसमें मिक्स कर रही हूँ। तो इस तरह से 1.5 चम्मच ऑयल मैंने इसमें मिक्स किया है और अब ये सभी मसाले हम अपनी सब्जियों में पहले मिक्स कर लेंगे। तो स्पून से कर सकते हैं पर स्पून से इतने अच्छे से मिक्स नहीं हो रहे हैं, तो मैं इन्हें हाथ से ही मिक्स कर लेती हूँ। तो हाथ से हम बिल्कुल, जब तक सब सब्जियों पर अच्छे से मसाले ना लग जाए ना, तब तक हम इन्हें मिक्स करते रहेंगे। तो देखिए सब्जियों का कलर कितना अच्छा आ गया है, मसाले अच्छे लग रहे हैं और बिल्कुल मिक्स हो गए हैं। तो अब हम एक डब्बा लेंगे और बिल्कुल साफ सूखा डब्बा होना चाहिए, पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए उस डब्बे में, और इसमें हम अपने जो अचार है उसको भर लेंगे और धूप में रख देंगे करीब 1 से 2 दिन के लिए। और इसे हमने बंद कर दिया है और देखिए अचार कितना अच्छा लग रहा है ना बाहर से डब्बे के अंदर देखने में। तो अब हम इसे धूप में रखते हैं, 2 दिन बाद इसे चेक कर लेंगे। तो 2 दिन हो गए हैं, देखिए अचार बिल्कुल तैयार हो गया है, मसाले बहुत अच्छे से मिक्स हो गए हैं, नमक ने भी पानी छोड़ दिया है अपना, तो अच्छे से इसमें रशा आ गया है अचार में। तो देखिए कितनी अच्छी खुशबू भी आ रही है जब मैंने इसका डब्बा खोला है, कलर इतना अच्छा है। तो मैं इसे बाउल में डालकर आपको दिखा देती हूँ एक बारी। तो देखिए हमारा जो अचार है बिल्कुल तैयार हो गया। सब्जी का अचार बहुत ज़्यादा गला हुआ नहीं खाया जाता है, लेकिन
बहुत ही अच्छा सा टेस्ट है इसमें, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है और बहुत ज़्यादा गला हुआ भी नहीं है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये अचार की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी आप इसे शेयर कर सकते हैं और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियो इस पर अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी। तो चलिए आप इस अचार को तैयार कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। तो फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।